आज की वीडियो में दोस्तों आपको डबल फैशन पट्टी किस प्रकार से शर्ट की बनाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों देखो आपको चिपकाना कैसे है, मैं बता देता हूं कि ये हमारा यहां से ये हमने 2 इंची का निशान लगाया है, हमने जो शर्ट एक्स्ट्रा छोड़ते हैं 2 इंची का, वहां से हमने यहां पर 1.25 इंची की पट्टी चिपका ली है और चिपकाने के बाद में इसको यहाँ से मोड़ लिया है और मोड़ के और इस तरीके से हमें प्रेस लगा लेनी है। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारी 2 इंची की पट्टी होती है, जो हमारी शर्ट की 2 इंची की पट्टी होती है दोस्तों, ये सीधी साइड हैं ये सीधी साइड हैं। तो दोस्तों हमें ये हमारा 2 इंची का कट है तो यहाँ पर हमें 1.25 इंची की पट्टी या आप 1.5 इंची की पट्टी जितनी रखते हो तो रख सकते हो और फिर इसको इस तरीके से हम रख के और इसको मोड़ के और यहाँ से इस तरीके से मोड़ सकते हैं और मोड़ने के बाद में हमें इस तरीके की हमें एक पट्टी और चाहिए दोस्तों इस तरीके से। और हमने जो हमारी 1.25 इंची की पट्टी है वो 1.25 इंची की पट्टी इस तरीके से चिपका लेना है और यहाँ से हमें प्रेस की सहायता से सिलाई मार्जिन रख लेना है, देखो इस तरीके से। और इसके बाद में इस तरीके से रखने के बाद में ये सीधी साइड हैं हमारी, यहाँ पर जेब भी लगेगी तो ये काज पट्टी है तो दोस्तों इसको फैशन पट्टी भी बोलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो हमने ये सिलाई मार्जिन रखा है इस तरीके से, जो हमने सिलाई मार्जिन रखा है तो दोस्तों हमें इस तरीके से इसको मोड़ लेना है और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से रख के और यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हमारी बार की साइड में भी सिलाई नहीं आएगी और सही तरीके से आएगी तो आपको करना क्या होगा कि इस तरीके से हमें रख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से रख के और यहाँ पर हमें एक लाख की सिलाई लगा देनी है। तो देखो आपको कैसे लगानी है, लेकिन दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पट्टी है ना, ये ऊपर की पट्टी इस तरीके से हमारी आएगी तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, हल्का सा थोड़ा सा हम इसको लूज रखेंगे तो सही आएगा। तो इस तरीके से हमें रख लेना है और रखने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से रख के यहाँ पर और ये हमने 1.5 इंची लगभग कमी 2 सूट की छोड़ा है, आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं और इस तरीके से यहाँ रख लेना है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये नीचे का कपड़ा है इसको भी हमें ध्यान में रखना है और इसको यहाँ से रख के और इस तरीके से रख के और यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन तरीका है डबल पट्टी यानी कि फैशन पट्टी बनाने का। दोस्तों आप एक बार लगा के देखो अच्छे से आएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं इतनी देर में तो मैं लगा लेता इसको। इस तरीके से इस तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद में इस तरीके से इसको मोड़ लेना है आप चाहे तो यहाँ पर
इस तरीके से ऊपर की साइड में आप एक लप की सिलाई भी लगा सकें। इस तरीके से आप इसके ऊपर लप की सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से नाखून लगा लेना है। नाखून लगाने के बाद में यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से ये डबल पट्टी बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे काज हो जाएंगे और ये ऊपर हमारी पट्टी लग जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।